अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसो ऑफिशियल। दोस्तों आज का दिन थोड़ा ख़ास है, आज है 4 नवंबर 2022 और आज मेरे बेटे अजलान का बर्थडे है। जी हाँ, 4 नवंबर 2021 को वो पैदा हुआ था और आज उसका फर्स्ट एवर बर्थडे है। तो दोस्तों आज मैं इसी पर एक ब्लॉग बना रहा हूँ उसके बर्थडे सेलिब्रेशन पर। वैसे तो दोस्तों हम लोगों को ज़्यादा बर्थडे कुछ मतलब एकदम ज़्यादा अच्छे से मनाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि मेरी अम्मी काफ़ी रिलीजियस है और इस्लाम में इस चीज़ की थोड़ी सी कहीं पे गुंजाइश है। कुछ लोग कहते हैं मना सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं मनाना चाहिए, लेकिन मैं खुद पर्सनली यही मानता हूँ कि नहीं मनाना चाहिए। फिर भी दोस्तों मैंने एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है अपने घर पर भी, केक कटेगा और मेरे ससुराल में भी वहाँ पे भी छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं अज्जू को लेकर, क्योंकि अज्जू का पहला बर्थडे है तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा कर लिया जाए जैसा भी है। तो दोस्तों जो भी इसमें होगा आज, जो भी मैं काम करूँगा उसके ऊपर और जब केक कटेगा तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा अज्जू के लिए, आप लोग मेरे साथ बने रहें। अभी मैं जा रहा हूँ कुछ जो उसके जो इक्विपमेंट्स है सजाने के लिए, फॉइल्स वगैरह, बर्थडे फॉइल्स वगैरह, तो वो अभी मैं करने के लिए अपनी सासू माई के घर पे जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों ये वो छोटा सा सेटअप जो मैंने तैयार किया है, ये है हैप्पी बर्थडे सेटअप, फॉइल्स, बलून्स, ये टेबल, इस टेबल पर केक रखा जाएगा, दैट्स इट। बड़ी बॉय ये है अरफात, ये अजलान, अजू अज्जू का बर्थडे कल काफ़ी अच्छा रहा और अज्जू को बहुत सारे गिफ्ट्स भी आए, ये देखिए इसकी खुशी। दोस्तों ये है मेरा और अन्नू का गिफ्ट जो अज्जू के लिए आया है। वैसे दोस्तों ये बर्थडे से 2 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको बाद में ओपन करूँगा,
तो अभी दोस्तों फिलहाल मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, इसको ओपन करने वाला हूँ और आप भी साथ में देखिए कि इसमें क्या है। तो अभी मैं इसको खोलने वाला हूँ। दोस्तों इस वीडियो को मैं ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इसको ओपन करते वक्त अज्जू मुझे बहुत सता रहा था। ये देखिए कुछ इस तरह। तो अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, साथ ही साथ आप भी देखिए। तो दोस्तों ये है फाइनली एक चेतक। यहाँ ये एक राइड करने वाला हॉर्स है। तो अभी इसको असेंबल करना बाकी है। इसमें दो टायर्स हैं आगे पीछे और भी कुछ। ये एक हैंडल है जो इसके हेड में लगेगा ग्रिप के लिए। एंड इन सब को अभी असेंबल करना है। तो चलिए असेंबल करते हैं। तो मैं भी अज्जू को ज़रा बिज़ी कर देता हूँ, इसका ध्यान भटका देता हूँ वरना ये मुझे सताता रहेगा। तो अभी इसकी पैकिंग्स वगैरह निकाल रहा हूँ। दोस्तों ये एक 2-in-1 हॉर्स है। ये 1 से 2 साल के बच्चों के लिए बहुत बेस्ट है। मैं आपको इसका प्राइस वगैरह सारी चीज़ें बता दूँगा। तो पहले कचरा हटा देते हैं। और अब देखिए दोस्तों इसमें ये जो है ये ग्रिप है, ये हेड में कुछ इस तरह लगेगी, नहीं इस तरफ से, ये देखिए कुछ इस तरह की बच्चों की ग्रिप होगी। ये प्रॉपर लग जाए। एंड अब इसके बाद ये है टायर्स। ये 2 टायर्स पीछे लगेंगे और 2 आगे। तो मैं इसको अभी लगवा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये दोनों लग चुके हैं। जब इसको आपको डिंग डोंग जैसे चलाना हो तो आप ऐसे इनको झुला सकते हैं, और अगर राइड मोड पे अगर लेना हो तो इस तरह से टायर्स को नीचे करके राइड भी करवा सकते हैं। सो ये है 2-in-1 चेतक हॉर्स। तो चलिए अज्जू को इस पर बिठा देते हैं। और ये देखिए दोस्तों अज्जू को मेरा गिफ्ट बहुत पसंद आया, बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो ये था मेरा गिफ्ट। ये एक बेसिकली हॉर्स है, चेतक हॉर्स 2-in-1। इसमें टायर और प्लस वो डिंग डोंग भी आप इसको कर सकते हैं। और अज्जू को पर्सनली उसको टायर ज़्यादा पसंद आया। मतलब जब मैं उसको टायर के उसमें ला के उसको जब चला रहा हूँ तो ज़्यादा खुश हो रहा है, और जब उसको एक ही जगह पे डिंग डोंग करवा रहा हूँ तो वो नाराज़ हो रहा है। सो दोस्तों ये 1 से 2 साल के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। घर में ही आप उनको थोड़ा यहाँ वहाँ घुमा सकते हैं इस पर बिठा कर, या झूले की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बिठा कर। तो आप अगर मार्केट से लेने जाओगे कहीं भी, मैंने मुंबई में शिवाजी नगर में भी इसका प्राइस पूछा था और बहुत सारी मार्केटों में पूछा, तो इसका प्राइस अराउंड 1000 से 1300 रुपये तक था। 1000 से 1300 रुपये तक, 1200-1300 रुपये तक इसका प्राइस था। लेकिन मुझे ये मिला है सिर्फ 800 में। जी हाँ, मैं ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करता रहता हूँ तो वहाँ आपको ये तकरीबन 700-800 में मिल जाएगा। सो ये हो गया मेरा गिफ्ट। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अज्जू 1 साल का हो गया है। मैं चाहता हूँ आप लोग इसके लिए दुआ करें, इसके अच्छे फ्यूचर के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे मुस्तकबिल के लिए आप इसके लिए दुआ करें कि इंशाल्लाह आप मेरा बेटा फरमाबरदार बने और साथ ही में दुनियादारी में भी थोड़ा हाजिर जवाबी हो। सो वीडियो देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।